सबसे ज्यादा कंडोम कौन इस्तेमाल कर रहा? ओवैसी बोले, मुस्लिम सबसे ज्यादा कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। भागवत का नाम लेकर फर्टिलिटी रेट गिनाया। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा रविवार को एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वजह है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को शनिवार को आया एक। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान बेवजह टेंशन में ना आए, उनकी आबादी बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। ओवैसी का ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का जवाब था, जिसमें भागवत ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण और धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसा समग्र विचार करना चाहिए। और ये भी हम देखते हैं कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार करने कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसके लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है? जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे। इसलिए इस पर ओवैसी बोले, सबसे ज्यादा कंडोम का इस्तेमाल मुसलमान कर रहे हैं, पर भागवत इस पर नहीं बोलेंगे, वे डेटा रखकर बात ही नहीं करते। ओवैसी ने हैदराबाद में शनिवार को एक सभा में बोल रहे थे। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन आबादी कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही, तुम ना खामा खा टेंशन में मत ले जाओ। अरे आबादी बढ़ रही रही नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। हर टीवी पर बैठ के बोलते, एक टीवी चैनल पे मुझे बुलाए डिबेट में, मेरा देखो मैं मुंह छोड़ के बोल दूंगा, तुम एहतियात करना। तो समझ में आ गया उनको, तो मुझसे पूछे क्या बोलेंगे आप? मैं शुरू करूंगा बीजेपी के बड़े लीडरों से। बोले क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनके बाप ने कितने बेटे पैदा, बेटियां पैदा किए। तो बोले नहीं आप नहीं, नहीं आप सही बोलते। बोला मैं सही बोल रहा हूं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे मुसलमानों का TFR गिर रहा है, टेंशन मत लो। बोल रहे ना इतने पैदा हो, नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका, सबसे ज्यादा TFR आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर, तो टाइम देता ना उसको, स्पेसिंग बोलते, स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं नहीं ये बताने के लिए, हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भगवत इस पर नहीं बोलेंगे? नहीं 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 ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। पॉपुलेशन बढ़ रहा, अरे कहां बढ़ रहा मोहन भगवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना, डेटा रख के नहीं बात करेंगे।
दशहरे के मौके पर भागवत नागपुर स्थित संघ मुख्यालय पर मौजूद थे। यहां उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और महिला सशक्तिकरण जैसे कई मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण और धर्म आधारित जनसंख्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक संपूर्ण जनसंख्या पॉलिसी लाई जानी चाहिए और ये सभी पर बराबरी से लागू। धर्म आधारित असंतुलन और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन देश को तोड़ रहे हैं। ईस्ट टिमोर, कोसोवो और साउथ सूडान जैसे नए देश धार्मिक आधार पर हुए संतुलन का उदाहरण है। नागपुर में भागवत ने वुमेन पॉपुलेशन एजुकेशन पर भागवत ने एक घंटे तक स्पीच दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। इसलिए ऐसा समग्र विचार करना चाहिए। और ये भी हम देखते हैं कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार करने कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसके लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है, सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे, इसलिए